नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 की। इसमें क्या बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी कुछ लोग बहुत कैंडिडेट्स परेशान हैं कि हमारे नंबर कैसे आएंगे, कितने नंबर हम ला सकते हैं, इस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ें, कैसे क्या करें, उन सभी चीज़ों की पूरी कंप्लीट डिटेल जानकारी इस वीडियो में आज आपको दूंगी। सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जितनी बातें मैं बताऊंगी उनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पहले बताऊंगी आपको कि पेट के स्कोर क्यों ज़रूरी हैं। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि पेट 2021 के दौरान आपकी उसी के थ्रू दो परीक्षाएँ हुई हैं। एक आपकी लेखपाल की परीक्षा हुई है जिसमें 8085 पद थे, तो पद इतने ज़्यादा थे लेकिन फिर भी कट ऑफ कम नहीं गई थी दोस्तों। जनरल की 62.96 गई थी और फीमेल की 64 point something गई थी, तो आप देख रहे होंगे लगभग 30 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था लेकिन कट ऑफ इतनी हाई गई थी। अभी हाल ही में आपका एक सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, वहां पर 76 पद थे और कट ऑफ जानते हैं कितनी गई थी दोस्तों, 86 गई थी। सोच लीजिए तो कितने ज़्यादा मतलब हाई कट ऑफ जा रही है। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आती है, वो ये है दोस्तों, जितने ज़्यादा आपके अंक रहेंगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे इस परीक्षाओं में बैठने में, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कितनी पोस्ट निकलने वाली है। तो जितनी पोस्ट होगी अगर आपके नंबर ज़्यादा रहेंगे तो आप सारी परीक्षाओं में लगभग बैठ पाएंगे, क्योंकि अभी इसी पैट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पता है लेखपाल फिर से आएगा उसके एग्ज़ाम में, वीडियो के एग्ज़ाम में, जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, और भी ऐसे ही आपके कई एग्ज़ाम्स आएंगे, ठीक है, उनके लिए इस पेट की परीक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात आपको बताऊंगी, 2021 में जब आपका पेट हुआ था कुल 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और 17 लाख के लगभग लोग एग्ज़ाम देने गए थे, ठीक है, तो कंपटीशन का लेवल भी थोड़ा सा कम था। बाकी तो आपको पता है कि जैसे जैसे होता है वैसे वैसे टाइम के साथ कंपटीशन बढ़ता ही है। पिछली बार लोगों में अनअवेयरनेस भी थी, ये भी था कि हो सकता है पेट 2021 की उतनी वैल्यू नहीं हो, लेकिन आपने देख लिया कि पेट 2022 में 37.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो यानी कि मैं मान लूँ अगर मोटा मोटा नहीं भी देते हैं कुछ लोग तब भी 35 लाख लोग तो एग्ज़ाम देंगे ही। अब सबसे अच्छी चीज़ ये है, अभी हाल में ही एक नोटिस आया था 18 सितंबर से आपका एग्ज़ाम शिफ्ट होके 15-16 अक्टूबर हो गया है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। बस आपको ये क्या करना है, इसके हिसाब से आपको रिलैक्स नहीं होना है। जैसे आप 18 सितंबर की तैयारी कर रहे थे एकदम जुट के, बस वैसे ही अभी भी जुट के आपको तैयारी करते रहना है, जिससे कि सितंबर से अक्टूबर के टाइम हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिविज़न करेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी आपको पढ़ाई बिल्कुल वैसे करनी, ये मान के चलना है कि परीक्षा हमारी 18 सितंबर को है, सारा कोर्स सब कुछ ख़त्म कर लेना है। पहले देखिए क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे, क्योंकि हमें क्या नंबर लाने हैं, हमें 85+ का टारगेट रखना है दोस्तों, ठीक है, और वो ला लेंगे, ऐसा भी नहीं बहुत डिफिकल्ट है। लास्ट ईयर मेरे ही 80 अप्रॉक्स आए थे, ठीक है, तो अगर लास्ट ईयर मेरे इतने आ सकते हैं, सोच लीजिए हर चीज़ के साथ आप देख रहे होंगे घर की सारी जिम्मेदारी और हर चीज़ के साथ अगर मैं 85+ 80 ला सकती हूँ तो आप लोग तो आराम से 85+ लाएंगे। बस उसके लिए क्या करना है, सही प्लानिंग आपको करनी, सही स्ट्रैटेजी जाननी है। जैसे कि सबसे पहले हम 14 नंबर के टॉपिक की बात करते हैं, ग्राफ और टेबल। ये कितने अंकों का है दोस्तों, ये 20 अंकों का है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है ये, क्यों, क्योंकि मेरे पूरे 20 अंक यहीं से आए थे, तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि आप पूरे 20 अंक लाइए। क्या करना होगा दोस्तों, ग्राफ और टेबल दोनों से दो दो प्रश्न आएंगे और हर प्रश्न से यानी कि हर डेटा से 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे आपका जो पहला ग्राफ मिलेगा आपको उससे 5 अंक होंगे, दूसरे ग्राफ से भी 5 अंक होंगे, पहले टेबल से 5 अंक होंगे, दूसरे टेबल से 5 अंक, यानी इन सबको मिला के 20 प्रश्न आएंगे 20 अंकों के। और देखिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी क्या है ग्राफ और टेबल के प्रश्नों में, मैंने कुछ वीडियोस करा रखे हैं, कुछ और मैं भी आपको कराऊंगी, और मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे मैं आप लोगों को डेली असाइनमेंट देना शुरू कर दूँ, प्रैक्टिस हो आपकी, ठीक है। तो देखिए ग्राफ और टेबल में सबसे ज़रूरी क्या है, वो है कैलकुलेशन, एवरेज आता है, परसेंटेज, तो वो सब आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में क्या होता है, कई बार 6 और 2 अगर आपने गलती से 9 कर दिया तो पूरे एग्जाम में बीत जाता है, लेकिन 6 और 2 9 ही आता है, 8 नहीं आता है। मैंने खुद ऐसा देखा है, कई बार मैंने कुछ गलती अगर एरर कर ली कैलकुलेशन में, एंड तक मुझे वही मिलता है, मैं कुछ भी कर लूँ तक घर नहीं आ जाती हूँ ना, मुझे वही गलत ही कैलकुलेशन हो रही होती है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसी के लिए क्या करना है, खाली और खाली प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए दोस्तों मैंने कल आपको एक बुक बताई थी, ओसवाल पब्लिकेशन की एक प्रैक्टिस सेट आई है, उसमें ग्राफ और टेबल के बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ज़रूर ले लीजिएगा उसको। मैं बार बार बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, मैं आप लोगों को असाइनमेंट तो वहाँ पर देती ही रहूँगी डेली। और आपको क्या करना है, ग्राफ और इसकी
डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली, एक भी दिन नहीं छोड़ना आपसे लेकर एग्जाम तक। ये 20 नंबर तो सॉलिड एकदम कंफर्म वाले हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे आपको दिख रहा होगा अपठित गद्यांश, 10 अंकों का है, इसमें 2 पैसेज मिलेंगे, हर पैसेज से 5 प्रश्न होंगे। तो ये 10 नंबर भी आपको पता है कैसे मिलेंगे, ये भी आपको प्रैक्टिस से मिलेंगे। बार बार फिर वही बात बोलूंगी, जुड़ जाइए हमारे चैनल से, मैं आपको इसका भी असाइनमेंट डेली दूंगी, ठीक है। डेली प्रैक्टिस, ये सब काम ऐसे कि आपको मैं डेली अगर सुबह दे दूँ तो आपको रोज ही प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। क्योंकि 20, 10, 30 ये पूरे पेपर में कहीं से नहीं मिलेंगे, जहाँ यहाँ से फ्री मिल जाते हैं, समझिए एक तरह से। बस प्रैक्टिस करने की बात है, क्योंकि इस बार कई बच्चों के अपठित गद्यांश भी गलत हुए, जो गलत नहीं होने चाहिए, उसमें आपको रिस्क ही नहीं लेना है। 30 मतलब ये 30 सॉलिड नंबर आपके हैं। अब हमको बात करनी किसकी, 70 नंबर की। 30 नंबर तो आपको बात ही नहीं करनी, किसी से बात हो तो आपको भाई 30 नंबर तो मेरे पक्के हैं, 70 नंबर देखने कहाँ से लेने हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ हो गई। अब हम सीधे बात कर लेंगे हिंदी की, क्यों, क्योंकि आपने अभी हिंदी, मैंने आपसे कई बार बताई है, हिंदी का फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स चीज़ें हैं, वो हर साल हर परीक्षा में वही आती है। एक बुक मैंने आपको बताई हुई है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है। जो भी हिंदी का सिलेबस है आपका, जितना भी है, पूरा सिलेबस आपके पास होगा, ठीक है। फिर से दिखा दे रही हूँ, ये है आदित्य पब्लिकेशन की बुक, ये, ठीक है, यही आती है। हिंदी में जितना सिलेबस है दोस्तों, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। और बाकी तो मैं जितना आपको कराती चल रही हूँ दोस्तों, उतना तो आप करते ही चलिए, मैं इतना मैक्सिमम आपको करा दूंगी ना कि आप देखिएगा पेपर उससे बाहर नहीं बन पाएगा। दूसरी चीज़, इस हिंदी का अब कुछ बचता भी है तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ दे दूंगी। और चार्जेस तो आपको पता है, मैं कभी लेती ही नहीं, तो कभी भी नहीं लूंगी आपसे। तो बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है। ये 5 नंबर भी आपके सॉलिड हैं, जो सॉलिड मार्क्स है मैं बताती चल रही हूँ आपको, जहाँ गुंजाइश लेनी नहीं। तो 30 और ये आपके सॉलिड मार्क्स प्लस 5 कितना हो गया, 35 अंक हो गए हमारे, ठीक। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी 5 आपको 5 में से 5 लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि रीजनिंग में क्या क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रिलेशन आता है, कैलेंडर आ सकता है, क्लॉक आ सकता है, इन सब कोई प्रैक्टिस अगर आप करते जाएंगे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं कि ना आए। देखिए जहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ सॉलिड नंबर, मतलब सॉलिड नंबर वहाँ लाने, क्योंकि आपको पता है इस बार 91 तक मार्क्स लोगों के आए हैं। तो आपको इस सोच के चलना है कि मतलब ये सॉलिड, ये 5 नंबर पूरे लेने हैं, जैसे भी करना है। इसीलिए बोल रही हूँ प्रैक्टिस करनी आपको बहुत ज़रूरी है। इन सब टॉपिक को पढ़ने से कुछ नहीं होता, इन सब टॉपिक्स को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो ये 10 नंबर और कन्फर्म हो गए, यानी कि हम लोगों के कितने नंबर कन्फर्म हो गए, अब 40 अंक है ना, 40 अंक कन्फर्म हो गए भाई हमारे। अब बचा कितना पेपर हमारा, 60 अंकों का। 60 अंक कहाँ से आएंगे देख लेते हैं। इंग्लिश में, इंग्लिश कुछ लोगों की जिनकी वीक होगी उनको यहाँ भी दिक्कत होगी, जिनकी नहीं वीक होगी वो तो नंबर ला सकते हैं, लेकिन जिनकी वीक होगी वो यहाँ पे अपने क्या कर सकते हैं, नंबर को उनको दिक्कत होगी, 2 से 3 अंक या 3 से 4 अंक वो यहाँ गेन कर सकते हैं। तो आप यहाँ नंबर, मैं नहीं कहूँगी पूरा ला सकते हैं, यहाँ पे आप 3 से 4 अंक लाने की कोशिश करिएगा, 3 नंबर लाने की कोशिश करेगा, इतने तो पक्का लाना है। क्यों, क्योंकि बहुत टफ इंग्लिश नहीं आती, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा या फिर वन वर्ड्स आएंगे आपके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आता है, ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों करेंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के, ये भी 10-10 अंकों के हैं। तो जनरल अवेयरनेस में देखिए दोस्तों क्या क्या आएगा आपका, पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य, उनकी मुद्राएं, हेडक्वार्टर्स आएंगे आपके पास, इंटरनेशनल डेट्स एंड डेज आएंगे, किस दिन कौन सा दिन मनाया जाता है। तो जनरल अवेयरनेस में आपको 7 से 8 नंबर तो मिल ही जाएंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे 7 से 8 नंबर आपको जनरल अवेयरनेस में ले आने हैं। हम ये आप बता रहे हैं जहां आप नंबर कटवा सकते हैं। 40 नंबर मैंने सॉलिड बता दिए, उसमें से कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी करंट अफेयर्स में देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी पिछला पैटर्न देखा होगा UP SSC का, तो UP SSC अब क्या कर रही है, 6 महीने के भी करंट अफेयर्स नहीं पूछ रही है। अभी लेखपाल का एग्जाम हुआ हो या सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्जाम आपका जुलाई में हुआ था, तो जुलाई तक की करंट और मई और जून, बस उससे पीछे पूछा ही नहीं था। तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ पीछे 4 महीने अगर पढ़ लिए, अक्टूबर में एग्जाम है तो सितंबर की, अगस्त की, जुलाई की, और बहुत हो तो आप जून की तो पढ़नी ही है, बहुत हो तो मई की भी पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज जून तक मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको करंट के लिए। करंट अफेयर्स की भी देखिए मैं वीडियो कंपाइलेशन लेकर आऊँगी ही आपके लिए, लेकिन आपको ये बोलूँगी साथ के साथ आप डेली जो करंट अफेयर हो रही है वो पढ़ते चलिए। उससे क्या होगा, एग्जाम के टाइम पर आपको दिमाग में चीज़ें बैठी रहती तो रिविज़न में आसानी होती है। यहाँ भी आपको मैं यही बोलूँगी 7 से 8 अंक ले आइए, ठीक। मैंने आपको अंक पूरे बता दिए, जहाँ सॉलिड नंबर है 40 नंबर बता दिए, बाकी जहाँ आप नंबर अपने 1-2 छोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ से अगर आप मान लीजिए 3 आए तो 2, और यहाँ से आपके 2, 2, 4 6 अंक आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं इधर की तरफ।
इधर आपको दिख रहा है सातवें में आपका एलिमेंट्री अरिथमेटिक, एलिमेंट्री अरिथमेटिक दिख रहा है, तो मतलब किसी बच्चे को ये नहीं कहना है कि भाई मैथ्स वीक है, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें आती हैं, एवरेज वाले क्वेश्चन आएंगे आपके पास, या फिर सिंपल सा कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट लॉस का, बहुत आसान सा ही क्वेश्चन आएगा क्योंकि लिखा ही हुआ है एलिमेंट्री अरिथमेटिक। तो ये पाँच नंबर भी आपको पूरे सॉलिड लेने, देखिए दोस्तों इसको भी आप नहीं कुछ भी कर सकते, ठीक, ये पांच नंबर हमें पूरे लेने। ये सब भी कैसे मिलेंगे, मैंने बताया किसी भी बुक से, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है भाई, खाली प्रैक्टिस, ये सब चीजें आपके सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आगे देख लेते हैं साइंस, साइंस में दोस्तों क्या है, साइंस में पांच नंबर है, तो पांच के पांच पूरे नहीं ला पाओगे आप। देखिए मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट पड़ी है जहां मैंने बनाया हुआ है, प्रीवियस ईयर की पूरी प्लेलिस्ट है, यूपी ट्रिपल एससी में प्रीवियस ईयर में जितने भी अब तक साइंस के क्वेश्चन आए हैं, हिस्ट्री के आए हैं, ज्योग्राफी के आए हैं, पॉलिटी के आए हैं, कंप्यूटर के आए हैं, वो सब मैंने वहां पे बना रखे हैं, तो आप एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। बाकी साइंस की जो और चीजें बची हैं वो तो हम पढ़ाएंगे यहाँ चैनल पे अपने, लेकिन आपके पास अगर लूसेंट हो या कोई बुक हो तो जरूर साइंस को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए साथ के साथ, ठीक है। क्योंकि आया था सिंपल यही कि विटामिन डी को क्या बोलते हैं, विटामिन के कौन सा है, क्या उसका साइंटिफिक नेम है, या फिर ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, किस विटामिन की वजह से रुकती है, बेरी बेरी क्या होता है, ऐसी चीजें आती हैं, ठीक है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, इसमें आप फिर अपना ही बता रही हो, तो तीन से चार नंबर इसमें भी कर लीजिए आप, एक दो नंबर यहाँ पे, दो या एक नंबर यहाँ भी आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि पूरा आएगा ही नहीं कभी भी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात अगर करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी जो हमेशा आते हैं वही इस बार भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि पेट के पेपर में कुछ नया बदलाव आ जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको पढ़ाऊंगी, देखिए मेरा चैनल तो आपको रेगुलर फॉलो करना, मैं जो चीज़ पढ़ा रही हूँ उसको तो रट के जाना है, उसमें से तो कोई गुंजाइश नहीं कि छोड़ के जानी है चीज़ें। बाकी आपके पास कोई बुक है, लूसेंट है, घटना चक्र है, परीक्षा वाणी, जो भी बुक आपके पास है उससे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए सबके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पूछी जाएंगी एग्जाम में, यूपीएससी का पेपर है नहीं कि बीच में से आएगा, मेन मेन जो चीज़ें होती गई बस वही, जैसे कि संविधान का ये पार्ट कहाँ से लिया गया, या भाग 9 किससे बिलोंग करता है, 1976 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, यही सब आपसे पूछा जाएगा और ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको यही बोलेंगे कि कोशिश ये करिए कि पूरे अंक ले आइए, लेकिन अगर नहीं ला पाते तो कोई बात नहीं, एक दो अंक की, एक ही अंक की गुंजाइश रखिएगा यहाँ पे। इकोनॉमी में दोस्तों, इकोनॉमी ज़्यादातर करंट आती है, जो करंट में चल रहा होता है इकोनॉमी में जनरली वही आता है, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स का कुछ पता नहीं होता क्या चीज़ पूछेंगे, इसलिए इकोनॉमिक्स में आप तीन नंबर तक लाने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में भी वही चीज़ आएंगे। देखिए पाँच ही अंक का है तो आपको समझ में आ रहा होगा पाँच अंक में कितनी चीज़ें पूछ सकता है कोई, इंपॉर्टेंट ही चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे ज्योग्राफी में भी भारत की नदियाँ, भारत के खनिज, विश्व की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वही सब पूछी जाएंगी, कौन से कहाँ पे, आपको जैसे पता है कि सवानास ग्रासलैंड कहाँ पे हैं, ऐसी चीज़ें, ठीक है। ये सब मैं आपको अपने चैनल पे पढ़ाऊंगी, बस आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ये सब चीज़ें वीडियो बाय वीडियो मैं आपको सब कंप्लीट कराऊंगी, और हम लोग पढ़ने की स्पीड भी स्लो नहीं करेंगे, एकदम स्पीड से चल के सितंबर तक अपना सब कुछ खत्म करके फिर खाली और खाली प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट। और अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएंगे मेरे साथ, तो मैं वीक में भी एक या दो आप लोगों का जो पढ़ाऊंगी उसका टेस्ट ले लिया करूंगी, ठीक है, और बाकी जो कंपाइलेशन वाली चीज़ें उनका भी टेस्ट ले लिया करूंगी, असाइनमेंट तो मैं आपको डेली दूंगी। बात कर लेते हैं अब इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन हिस्ट्री की, जो ये 10 अंकों का है, ये दोनों 10 अंकों का है। इंडियन हिस्ट्री में दोस्तों क्या क्या है, इंडियन हिस्ट्री में आपका है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्त है आपका, मेडिवल हिस्ट्री है, और कुछ आपका पुर्तगालीज के आने का और इन सब के आने का समय भी वहाँ पे है, 1857 की क्रांति भी इसी में है सब, इंडियन हिस्ट्री में। तो आप देख लीजिए उस पांच अंक में क्या क्या पढ़ना है, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगी इंपॉर्टेंट चीज़ें, लेकिन अगर आपके पास कोई बुक है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, उसके लिए टाइम मत दो, क्या अगर पूरा दिन होता है तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और खूब पढ़िए दोस्तों। इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर बात कर लें पांच अंकों की दोस्तों, इस पांच अंक में क्या है, इस पांच अंक को लगभग मान लीजिए मैंने तैयार करा दिया है, मैं वीडियोज इसमें बना के डाल चुकी हूँ, देज फोर तक वीडियोज हो गई हैं, बस एक वीडियो या दो वीडियो और बाकी हैं, जो चीज़ यहाँ नहीं हो पा रही है वो मैं आपको टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ दे रही हूँ। तो ये पांच नंबर समझिए आपके मैंने पूरे करा दिए हैं, ठीक है, जो कथन और एक प्रैक्टिस सेट है 300-400 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, वो मैं और आपको करा के दे दूंगी, बस उसके बाद फिर पूरा आपका ये पांच नंबर तो सॉलिड हो गया, कहीं नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इतनी चीजें आप लोगों को पढ़नी है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बिल्कुल टफ है ही नहीं पेट आपके लिए, पेट बहुत आसान है और आप सभी के देखिएगा बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बस जितना मैं जैसे बताती जाऊँ जिस दिन जो कहूँ वो आप कर लीजिए। जैसे मैं आप कह रही हूँ कि आप अपनी लूसेंट या जो भी आपके पास बुक हो उसको उठा के अपना जीएस का थोड़ा थोड़ा पोर्शन पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो बस पढ़ना शुरू कर दीजिए आप। मैंने जो बताया आपसे ग्राफ, टेबल, अपठित गद्यांश, और क्या बताया, हिंदी और रीजनिंग और ये मैथ्स,
इन सब में सॉलिड नंबर लाने हैं, तो मतलब सॉलिड नंबर लाने हैं। कैसे लाएंगे भाई? इन सब की डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यही इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। और दोस्तों घबराइएगा नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे मुझे पता है जो पेट का एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम शायद पहली बार देने जा रहे हैं, तो आपको कॉम्पिटिशन से घबराना नहीं है। आपको चीज़ें आती हैं और आप एग्ज़ाम में जाके अच्छा करके आओगे। जो ना 10 साल से मेहनत भी कर रहे हैं ना, आप उनको पीछे भी कर दोगे, ये भी आपके अंदर टैलेंट है। आप देखते ही हो UPSC में कितनी बार वही बच्चा मतलब टॉप पर आता है जिसने शायद अभी तैयारी पहली बार या दूसरी बार की होगी। ज़रूरी नहीं है वो टॉप करे जो 10 साल से तैयारी कर रहा है ना। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं कि हम पहली बार एग्जाम देने आ रहे हो। आप पहली बार एग्जाम देने आ रहे हो और पहली बार ही बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक। बस तो पढ़ाई करते रहिए, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हुए हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को सुनने के लिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम पर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। धन्यवाद।